जी जी जनाब, आज हम लाहौर एयरपोर्ट पे हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल। यहाँ पे आज हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त सजाद अहमद उर्फ चीना, बाबा चीना, उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। बहुत खुश हैप्पी से आ रहे हैं। साल बाद बेचारे ने आना होता है, तो आता भी सर्दी के मौसम में। हमें सर्दी में जो है ना वो तड़पाता है। चलो जी चलते हैं, अंडर पास है और एयरपोर्ट का नहीं खुला या नहीं खुला, शायद पार्किंग हो, आई डोंट नो। चलते हैं जी, पहले से हमारे वहाँ पे दोस्त हैं फकीर हुसैन पोमी, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखते हैं आज लाहौर एयरपोर्ट की सैर करते हैं। घर से एयरपोर्ट तक मैंने क्रीम सर्विस इस्तेमाल की है, मुनासिब किराया था, लेकिन उस ड्राइवर ने मुझे, कैप्टन ने मुझे ये कहकर डरा दिया कि यार वापसी भी आपका किराया ज़्यादा होगा। मैंने पूछा क्यों, कह रहे सर पीक फैक्टर लगते हैं, दिन के एयरपोर्ट की हदूद में आके आपको पीक फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। मुगलपुरा से यहाँ तक किराया बना 225 रुपये। अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होता है, इतना रश नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं खाली खाली है यार। नया लॉन्च बनाना भी शुरू कर दिया है। दिन के वक्त तो सब देखते हैं लाहौर एयरपोर्ट को, रात का नज़ारा भी देख ही नहीं, क्या याद करें, मज़ा ना पैसे पा। ये हमारे पोमी भाई, अस्सलामुअलैकुम भाईजान, आपको जो काम दिया था आपने वो किया काम, अगर उसमें कोई कमी बेची हुई हो तो हमने आपको, आपके साथ बुरा भला कर देना, ठीक हो गया ना। अच्छा जी पोमी भाई, रात के वक्त आपको याद है पहले भी आते हैं, सर्दी के मौसम भी आते हैं, चीनी भाई ने जब भी आना होता है हमें सर्दी के मौसम में बुलाना होता है, ठीक है ना जी, हम भी आ जाते हैं दीवानाबाद। पोमी भाई फैसलाबाद से अपने और मेरे दोस्त बाबा चीनो को लेने के लिए, मैं उन्हें सुबह कह रहा था दुबई से वो आ रहा है, शक्ल आपकी अरबी जैसी हो गई है। तो ये 2-3 घंटे पहले आ गए थे, तब हमें उम्मीद थी कि 7:40 तक फ़्लाइट आ जाएगी। ये एयरपोर्ट पहुंचे तो पीछे पता चला कि उनकी फ़्लाइट डिले है, बाद में फिर जितनी टेक्नोलॉजी की वजह से मैं उनको देखता रहा हूँ, फ़्लाइट रडार के जरिए मॉनिटर करते रहे हैं। अभी चल रही है ना, अभी कह रहे हैं आ रही, डाइवर्ट तो नहीं होगी, कोई पता नहीं है, चलते हैं। ये लीजिएगा जी भजन को, टी शर्ट पहनी होगी उनको, जैकेट लैद की जाएगी। जी बैनर को हमें आमद राश है, लोगों का, लोग अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं। पैनल का भी स्टैंड के सामने करें, हमारे दोस्त, हमारे बिल्ली, हमारे यार नहीं पे, हमारी एक साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। क्या कह आगे लैंड हो गए, पक्की बात है, सजाद आ गए जहाज लैंड कर गया, अच्छा जहाज, चलिए जी मुबारक हो जी। अब तो ये उम्मीद तो लगी ना कि आप वो हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। मैं जब घर से निकल रहा था तो कराची से कुछ फ्लाइट थी जो कैंसिल कर दी गई, कल वो पेशावर जा रही थी, मौसम की खराबी वजह से लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो मुझे भी डर पड़ गया था। आज मौसम यहाँ पे अच्छा है, नॉर्मली कई दिनों से यहाँ पे धूप पड़ रही है, शरीर किस्म की धूप आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो अभी आप लाहौर रंग पे देख सकते हैं, 2 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाहौर में धूप की क्या सूरत हाल है, अंधाधुंध धूप। बोर्ड में भी एयर ब्लू की फ्लाइट है जो लैंड कर रही है, PA 4
शुक्र, इसका मतलब कि ये फ्लाइट जो है ना अभी जहाँ तक पहुँच चुकी है, मुबारक हो जी, वक्त पर फ्लाइट पहुँच गई। Gracias.